डियर स्टूडेंट्स उम्मीद है आप सब ठीक से होंगे अच्छे से होंगे तो बेटा आज का जो टॉपिक है वो है क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नंबर 19 और 20 आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 7.1 और चैप्टर का नाम है डियर स्टूडेंट्स इंटेग्रेशन तो आज जिस टॉपिक के बारे में हम पढ़ते हैं चूंकि आपको मैंने बताया कि इंटग्रेशन मैं तो हम पढ़ते हैं एक तो हम पढ़ते हैं इनडेफनेटीग्री इंटेग्रेशन और दूसरी जो है वो है डेफिनेट इंटीग्रेशन तो बेटा आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नाइनटीन यानीग्रेट सेक्स स्क्स अपॉन तो डियर स्टूडेंट्स इसकी तो हमें इंटीग्रेशन करनी है विद रेस्पेक्ट टू एक्स तो कैसे हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे बेटा सबसे पहला पॉइंट डियर स्टूडेंट्स इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं वन अपॉन एक्स और डिवाइड में क्या आएगा वन अपॉन साइन स्क्र एक्स तो स्टूडेंट्स आपने तो ये बात पढ़ी है आपने तो ये बात पढ़ी है कि ये जो सेक थीटा होता है दिस इज इक्वल टू तो वन अपॉन थीटा एंड कोशेक थीटा इज इक्वल टू तो वन अपॉन साइन थीटा ये तो आपने क्लास टेंथ में पढ़ा है अच्छा इसके बाद स्टूडेंट्स क्या करेंगे इसको बेटा हम ऐसे भी लिख सकते हैं वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स और क्या लिखेंगे और लिखेंगे डेयर फ्रेंड साइन स्क्वायर एक्स इसकी तो हमें इंटीग्रेशन करनी है विद रेस्पेक्ट टू एक्स इसके बाद क्या करेंगे व्हाट इट बिकम्स इट बिकम्स साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स एंड वी हैव टू इंटीग्रेट दिस विद रेस्पेक्ट टू एक्स तो डे इसको हम लिख सकते हैं टेन क्वेश्चन रिलेशन पढ़ी है में थीटा थीटा तो थीटा. अच्छा नाउ वी तो बेटा कैसे करेंगे आपने टेंथ में एक आइडेंटिटी पढ़ी है सेक्स स्क्टा इज इक्वल टू तो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा और यहां से अगर हम टेन स्क्वायर थ्री का वैल्यू डिटरमाइन करेंगे तो जिगर मेरा वो क्या बनेगा वो बनेगा sex square, sex square x minus one. और क्या आएगा और आएगा dx अच्छा अब बीच में माइनस है चाहे बीच में प्लस होगा या माइनस होगा तो इंटीग्रेशन हम स्टूडेंट्स अलग अलग भी कर सकते हैं तो हम क्या लिखेंगे हम लिखेंगे सेक्स x dx और क्या आएगा माइनस वन डी एक्स अच्छा इसके बाद स्टूडेंट्स करेंगे क्या पढ़ाया मैंने आपको बेसिक जब मैंने पढ़ाया तो मैंने आपको पढ़ाया था सेक्स x की जो इंटीग्रेशन है वो है tan x वो क्या है डियर स्टूडेंट्स वो तो है डियर स्टूडेंट्स tan x और क्या आएगा बीच में और कॉन्स्टेंट यानी वन की जब हमें इंटीग्रेशन कर रही है ना विद रेस्पेक्ट दैट इज एक्स और क्या आएगा प्लस प्लस आएगा जिगर मीरा क्योंकि हम तो बात करते हैं इंडेफिनिट इंटेग्रेशन की अच्छा अब तो डिस्कस करेंगे हम डेयर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी यानी इसका लास्ट क्वेश्चन है इसके बाद हमें कुछ एमसीक्यूज पढ़ने हैं मगर सबसे पहले हम इस टॉपिक पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी पे तो क्या करेंगे बेटा अलग अलग हम तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना टू अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बीच में आएगा माइनस और क्या लिखेंगे थ्री साइन एक्स और अपॉन में क्या आएगा अपॉन में आएगा डियर फ्रेंड कॉस स्क्स इसकी तो हमें इंटीग्रेशन करने है विद रेस्पेक्ट टू एक्स अच्छा बीच में माइनस तो अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकते हैं ये क्या बनेगा इट बिकम्स टू सेक्स स्क्स इट बिकम्स टू सेक्स स्क्स सर कैसे ही सेक्स स्क्स बनेगा क्योंकि बेटा मैंने आपको पढ़ाया कि वन अपॉन कॉस थीटर जो है दिस इज इक्वल टू सेक्स थीटा अच्छा यहां क्या बनेगा यहां तो अच्छा और क्या आएगा dx माइनस यहां क्या बनेगा थ्री को बेटा बाहर करेंगे इसको हम बेटा ऐसे भी लिख सकते हैं ना साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स और क्या आएगा वन अपॉन कॉस एक्स क्या ये बात आपको बेटा क्लियर हुई मैंने क्या किया मैंने पहले थ्री को बाहर किया फिर मैंने लिखा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स और बीच में इन और क्या लिखा मैंने डियर स्टूडेंट्स वन अपॉन कॉस एक्स अच्छा आप क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स 2 को बाहर रखेंगे यहां क्या बचेगा यहां बचेगा सेक सुकैर एक्स सेक सुकैर एक्स माइनस वट इट बिकम्स साइन अपॉन cos इट बिकम्स टेन एक्स क्योंकि मैंने पढ़ा क्वेश्चन रिलेशन यानी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा ये क्या बनेगा डियर स्टूडेंट्स ए बनेगा सेक एक्स और क्या है dx अच्छा अच्छा बेटा इसके साथ रखना है थ्री अच्छा 2 को ऐसे ही लिखेंगे क्स स्क्र एक्स किस फंक्शन की डिफरेंशिएशन है टेन फंक्शन की डिफरेंशिएशन है तो हम कहेंगे इसकी जो इंटीग्रेशन है ना डियर स्टूडेंट्स वो है क्योंकि पढ़ा मैंने बेसिक में में की जो इंटीग्रेशन है दैट इज और बीच में क्या है माइनस इसको बेटा ऐसे ही लिखेंगे ये सेक एक्स टेन एक्स किस फंक्शन की ये डिफरेंशिएशन है ये तो बेटा सेक एक्स की डिफरेंशिएशन है तो हम कहेंगे दिस इज द यानी इस फंक्शन की जो इंटीग्रेशन है वो क्या है डियर स्टूडेंट्स वो है sec x और क्या आएगा डियर स्टूडेंट्स और आएगा डियर स्टूडेंट्स c इस तरह से डियर स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन नंबर 19 और 20 ये हुआ डियर स्टूडेंट्स कंप्लीट तो इसके बाद इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 22 तो फिर इंशाल्लाह ये जो एक्सरसाइज है ये हो जाएगी कंप्लीट फिर करेंगे स्टार्ट हम एक्सरसाइज 7.1 थैंक यू बेटा